गैस वीडियो को लास्ट तक देखो, आज पूरा अंदर का वीडियो दिखाने वाला हूँ, जितना हो सके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा से नहीं बना पाया गैस, बाद में जब फ्री टाइम हो जाकर अच्छा से वीडियो बनाता हूँ। यहाँ से शुरू होता है रेवा यूनिवर्सिटी का, ये देख सकते हैं 1 किलोमीटर हो जाएगा गैस, इतना बड़ा एरिया है उसका बाउंड्री, पूरा 1 किलोमीटर हो जाता है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखो। तो अभी हम लोग अंदर एंट्री कर रहा हूँ, अभी अंदर का कुछ व्यू दिखा तो आप सबको। वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस, और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो अब देख सकते हो अभी हम अंदर आ गया, अंदर में कुछ बहुत मस्त व्यू है गाइस, बहुत अच्छा भी लग रहा है देख के। तो अभी हम लोग अंदर जा रहा हूँ, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस, और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को एंड तक देखो। कितना सारा स्टूडेंट है देखिए, वहां पर कार पार्किंग है लेकिन वो पूरा स्टाफ का गाड़ी है, स्टूडेंट का गाड़ी बाहर पार्किंग है। वो बहुत बड़ा एरिया है गाइस, आप सबको बाहर से भी दिखाता हूँ, वीडियो को एंड तक देखो। कम से कम 1 किलोमीटर हो जाएगा गाइस, इतना बड़ा एरिया है। रेवा यूनिवर्सिटी एलेंका में पड़ता है, ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह दिखता है, बाहर से कुछ इस तरह दिख रहा है देखिए। ये पूरा हॉस्टल है, कॉलेज है देखिए गाइस, पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करो। आप सबके लिए डेली डेली एक एक वीडियो अपलोड करते रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ पाऊँगा। कितना सारा पार्किंग है गाइस, रेवा कॉलेज का पीछे देख सकते हो, और ये तो आप सबको पता ही, रेवा यूनिवर्सिटी बेंगलोर में पड़ता है। बहुत सारा कार बाइक पूरा रहता है वहाँ पर। एक किलोमीटर हो जाएगा गाइस, ये देखिए बाहर में पार्किंग रखा हुआ है स्टूडेंट का, इतना हजारों गाड़ी रखा हुआ है, क्योंकि अंदर इतना गाड़ी रखने का जगह भी नहीं है। कितना बड़ा पार्किंग है देखिए गाइस, बहुत सारा गाड़ी रखा हुआ है। अब तो वीडियो को लास्ट तक देखो गाइस, और वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करो भाई, सपोर्ट करो थोड़ा। तो बाहर से कुछ इस तरह दिख रहा है। तो वीडियो कैसा लगेगा इस कमेंट करके बताओ, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और सबके लिए तो मेहनत तो कर रहा हूँ भाई।